चले चले छोड़ इसी को खाना चाहिए बहन से सबसे पहले डाल दे बंदर हम सभी गरीब यहाँ पे रुके हुए हैं बाघ के आने का वेट कर रहे हैं ये देखिए पुलिस की भीड़ ये छोटा सा घर है इसके अंदर है बाघ ये रेंजर आते हुए जो बाघ को पकड़ने वाला है ये भाई लोग आ गए चलो यार ब्रो कम ऑन ये छोटे से काले छेद में बाघ अगर कोई ऊपर जाओ ना उसके नाचो मत खुद आता हूँ चलो यार चलते हैं ये भीड़ को आप देख सकते हो कितनी भीड़ को आप देख ही सकते हो वही तो कितने बेबस लाचार लोग अभी देखना लोग कैसे भागेंगे कितनी सारी भीड़ आ रही है सिर्फ एक एक मामूली से बाघ को देखने के लिए मामूली ऐसी बातें करती तुमने मामूली ओ यार 16 MM ये देखो रेंजर्स आ रखे हैं हमारे साथ वो नकली रेंजर एक अंकल बिना डरे ओ भाई यहाँ पे दिलों की धड़कने बढ़ती हुई जा रहा यार है चलो अरे रुको ना कहाँ जाओगे बस मैंने यार कभी देखा नहीं अरे रुक जाओ ना तब प्रैंक हो गया सुबह प्रैंक वीडियो बन गया यार अबे यार बहुत ही भद्दा मजाक हुआ अरे प्रैंक हुआ तो काट दिया हमारा काट दिया अबे भयंकर वो दो गबरू जवान कहाँ गए गबरू जवान वो रहे दो पुराने जमाने के गबरू जवान ये सब लोग देखिए यहाँ पे आ रहे हैं हमें भी लगा प्रैंक वीडियो खेल रहे हैं लोग बट प्रैंक नहीं है ये असली में बाघ आ रहा है यहाँ पे यार अच्छा देख रहा हूँ अरे प्रैंक कर रहा है चलो वहीं चलते हैं हम लोग आज का दिन आ गया है जब कुत्ते को बाघ बनाया गया नहीं आज का दिन आ गया जब सुअर को बाघ बना दिया जंगली सुअर होगा पालतू सुअर होगा कैसे बोलेंगे तुम्हारे सुअर के बच्चे नहीं देख लिया बच्चे उसके इतने अरे यार एक बोला गुलदार है एक बोला सुअर अरे सुअर है भाई साहब सुअर है वो पक्की बात है पक्का अंकल मैंने देख लिया उसके बच्चे थे सुअर है पक्की बात है फोन की तो तब तक धकवा दे तुम्हारे से कहां घूर रहा था यार सुअर है वो यार वही यार काला सुअर है वो काला जंगली सुअर है बड़ा है ना ना पालतू यार पालतू सुअर है पालतू भीड़ देखो ना भीड़ 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 देखो भीड़ एक सुअर को देखने के लिए कितनी भीड़ आ रही है आदि भाई सुअर को देखने के लिए इतने दूर आए बताओ सुअर नहीं देखा बताओ सुअर नहीं देखा लगा सुबह तो भाग था भाई सुबह भाग था मुझे भी बुलाया दुकान से उठा कौन तुमने क्या कौन था इधर पे आओ ना कौन था सुअर नहीं देखा ये हां ये कौन किसकी गई थी भाई चार कॉल किसकी गई थी सुअर नहीं देखा यार बहुत भयंकर सुअर क्या हो रहा है अब भाई तो सुअर अंदर है तो जाके सुअर घंटे हम अंदर बाघ के बच्चे हैं वैसे बेटा अभी भाई साहब पहले कर्म होने नहीं देते अच्छा क्या करेंगे आप लोग विभिन्न जगहों पे गुलदार देखिए ऐसा है कि गुलदार की गतिविधियाँ श्रीनगर क्षेत्र में काफ़ी बढ़ी हैं ये मेरी नोटिस में भी है और इसके कारक हम लोग भी हैं क्योंकि
गुलदार के कॉरिडोर हमने लोगों ने बंद कर दिए हैं, सब जगह हमने अपने मकान बना दिए हैं और उसको पानी पीने के लिए भी ही जो है हम लोगों ने रास्ता नहीं छोड़ा है। किसी ने अपने जो है पर्दावाल इतनी बढ़ा दी हैं और वो चूँकि रात्रि चर है और उसको भी पानी पीना है, उसको भी अपना भोजन ग्रहण करना है, तो कहीं ना कहीं से निकलेगा। मेरा सब लोगों से ये अनुरोध है कि वो उसको इरीटेट ना करें, उसको आसानी से जो है अपने पानी पीने के लिए जाने दें और वो रात को अपने आप निकल जाएगा। और अगर हम उसे छेड़ेंगे तो निश्चित रूप से हिंसक वो हो जाएगा। तो मेरा सबसे पुरजोर अनुरोध है कि वो किसी तरीके से उसको जो इरीटेट ना करें। अभी वो किसी का नुकसान नहीं कर रहा है, आ रहा है जा रहा है, अपनी आमद दिखा रहा है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहा है। जो है क्या आवासीय बस्तियों की तरफ चहलकदमी है तो जाहिर तौर पर मानव के लिए खतरा भी है। देखिए मानव जीवन के लिए खतरा है ये मैं मानता हूँ। पिंजड़े हम लोगों ने श्रीनगर में डिप्लॉय किए हुए हैं। आज की डेट में मेरे पास पिंजड़ा SSB में जहाँ से कंप्लेंट आई थी वहाँ पे लगाया हुआ, उससे पहले ITI में हम लोगों ने लगाया था और आवश्यकता पड़ेगी तो लगाया जाएगा। और चूंकि इसके लिए उच्च स्तर से परमिशन की आवश्यकता होती है, तो मैं आज ही मैंने जो कल का मेरे पास वीडियो आया था उसमें मैंने अपने चीफ साहब को अपने डीओ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा और डीओ साहब चीफ साहब को भेज रहे हैं। तो मैंने आज यहाँ से आने से पहले ही मैंने वो चिट्ठी जो है उनसे निवेदन भेजा है कि श्रीनगर में चूँकि बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ हो रही हैं, इसको ट्रैंकुलाइज करने की और इसको पकड़कर ट्रांसलोकेट करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें, तो जल्दी ही इसकी अनुमति मिल जाएगी तो फिर मैं आप लोगों को फिर इस तरह से अवगत कराऊंगा। कई जगहों पे देखा जाता है गुलदार, तो क्या ये एक ही गुलदार है या फिर बहुत से गुलदार जो है श्रीनगर में? देखिए इस क्षेत्र में भी देखा जाता है ये एक्चुअली ये शोध का विषय है कि यहाँ पर कितने गुलदार हैं और ये सेंसस के बाद ही हम लोग पता कर पाएंगे। अभी जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है कि आपके जो अठाणा में जो पराग डेयरी में है वो अलग गुलदार है और क्योंकि इनके अपनी डेफिनेट टेरिटरी होती है तो यहाँ पर वो अलग है। आपके जो श्रीनगर एजेंसी मोहल्ला में घूम रहा वो अलग है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। कितने गुलदार होने की संभावना आपके द्वारा? जो मेरी अपनी जानकारी में है और जो मेरी टीम जो रात में गश्त करती है उनके अनुसार कम से कम 3-4 गुलदार जो हैं यहाँ पर भिन्न भिन्न मोहल्लों में देखे जा रहे हैं और वो सही भी है। 1, 2, 3, 4, 5 पांच लोगों को तो अच्छे से कटा है। चूतिया बनाया, चूतिया का इन्होंने चूतिया बना रखा भयंकर वाला, फिर इन्होंने चूतिया बनाया, इन्होंने सुअर दिखा दिया, तो इन्होंने चूतिया बनाया और हुआ कुछ नहीं, अंदर निकला एक सुअर और गए थे बाघ देखने। बताओ यार अब तो 30 रुपये यार लग रही है क्या? बढ़िया, उतनी देर में हमें एक बाइक का ब्लॉग बना देते हैं अच्छा खासा। क्या पता है हमारा काट रहे हो अभी, अगर यहाँ निकला बाघ तो एक हाफ ऑफ प्लेट मोमो मेरी तरफ से 500, अगर बाघ निकला तो, नहीं निकला तो 500 एक एक प्लेट मुझे खिलाएंगे। देखते हैं अगर बाघ मिलता है तो सही है, अगर नहीं मिलता है तो क्या कर सकते हैं। ये अभी एक बिली वगैरह दिखाएंगे हमें, सर एक बिली हो जाए सर, हाँ पुलिस वालों के सामने सर एक बिली हो जाए, ग्राउंड तोड़ देंगे बोलो ग्राउंड। मैं इसको मानव जन कारण भी मानता हूँ क्योंकि हम लोगों ने जो लेपर्ड का और जो भी हमारे पास छोड़ो रहे हैं, तो इनका इंटरव्यू पहले से ले लिया हमने, अब लेके कुछ फ़ायदा नहीं है, बोरिंग स्टफ्स नहीं करने अभी हमें। मैं बहुत पता ही क्यों गया था वहाँ पे, एक लाइन बोला मैंने, बोला इनका इंटरव्यू चल रहा है, अरे इसका तो पहले भी लिया था यार छोड़ इंटरेस्ट नहीं आ रहा, वापस आ जाओ, बोरिंग चाहिए जा रही है बाघ तो निकला नहीं यार, है मेरी ज़िंदगी झंडे यार। मैंने जितने बार भी ट्राई करा बाघ को देखने का हर बार कटाई है, बस कुछ नहीं मिला है। चलो तो मिलते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।